गेट एग्ज़ाम क्या होता है और क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आगे इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आएँ। वीडियो के एंड तक लगे रहें पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज गेट। सो द फुल फॉर्म ऑफ गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इट इज एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी कोर्सेज इन इंजीनियरिंग। जैसा कि आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी तरीके से गेट को कंडक्ट करवाने के लिए कोई अलग से एजेंसी नहीं है, बट पिछले साल यानी कि 2021 में इस एग्ज़ाम को आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था और आने वाले साल यानी कि 2022 में इस एग्ज़ाम को आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवाने वाला है। अब भैया ये तो जान लिया कि गेट होता क्या है, अब इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है यानी कि जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो क्या है। तो अगर आप बीटेक और बी फार्मा जैसी कोई भी डिग्री कर रहे हैं ना तो आप इस एग्ज़ाम को अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में दे सकते हो, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो। यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और अगर आप एमएससी, एमए, एमकॉम, एमसीए जैसी कोई डिग्री कर रहे हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप किसी भी फील्ड से हो ना तो भी इस एग्ज़ाम को एक बार के लिए आप दे सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि भाई मुझे तो अपने ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट के अंदर जाना है, यानी कि मुझे तो एमबीए करना है, तो मैं तो गेट का एग्ज़ाम दूंगा, सीएटी का, मैं गेट का एग्ज़ाम क्यों दूं, तो ज़रा थांबा। अगर आप आईआईएम में एडमिशन लेना चाहते हो ना तो भी आप गेट के बेसिस पर उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप किसी भी फील्ड से इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो ना तो आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिलती है, लाइक 80,000 पर मंथ के आसपास की फेलोशिप मिलती है। अब भैया एग्ज़ाम के बारे में तो जान लिया, अब इसकी प्रिपरेशन यानी कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें और कब से शुरू करें। तो अगर आप अभी 12th पास आउट हो और गेट के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आपका जेई के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आप इंतज़ार किसका कर रहे हो, राइट? यानी कि जो गलती जेई में आपने की है ना वही गलती फिर से रिपीट करोगे? नहीं ना। तो आज से ही, अभी से ही, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपना जो प्रिपरेशन है ना गेट के लिए वो स्टार्ट कर दो, जिससे कि आप अपने थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा आपका गेट का उसके अंदर अच्छे से फोड़ पाओ, है ना। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं लेते हो तो जेई की तरह दो चार अटेम्प्ट देने के बाद भी अपना कुछ होने जाने वाला नहीं है, राइट? ठीक है, तो एक बार के लिए हमने हमारी प्रिपरेशन को सीरियसली भी ले लिया, तो उसके लिए अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कैसे लाएं? तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन में आपको वो दिख रही होगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आगे आने वाले वीडियो यानी कि इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं रीप यानी कि राजस्थान इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्रोसेस के ऊपर फुली डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, so please don't forget to like, share, comment and subscribe.